हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ वेज चीज़ ग्रिल सैंडविच। ये बनाना बहुत ही आसान है। जिसके लिए हमें एक ब्रेड चाहिए, दो स्लाइस मैंने चीज़ के लिए है, कैप्सिकम जिसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, अनियन, कुकम्बर एंड टमाटोज़। और इसके लिए मैंने वेज मेयो लिया है और ग्रिल्स और साथ में थोड़ा सा सैंडविच स्प्रेड लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी फिलिंग तैयार करेंगे सैंडविच की। सबसे पहले मैंने 2 स्पून वेज मेयो लिया है और उसके साथ ही मैं 1 स्पून ऐड करूँगी सैंडविच स्प्रेड। फिर मैं उसमें ग्रेट करूंगी 2 चीज़ क्यूब्स। फ्रेंड्स, इसमें मैंने 2 ग्रेटेड चीज़ क्यूब ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें अपनी सारी वेजिटेबल्स ऐड करूंगी। सबसे पहले मैंने ऐड किया अपनी कैप्सिकम, फिर मैं ऐड करूंगी इसमें टमाटोज़, फिर मैं इसमें ऐड करूंगी ककुम्बर, उसके बाद अनियन, फिर मैं उसमें ऐड करूंगी नमक, चिली पाउडर के बाद ब्लैक पेपर पाउडर। अब हम अपनी सारी वेजीज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी वेजीज को मिक्स करने के बाद मैं इसको ब्रेड में फिल करूंगी। फ्रेंड्स, मैंने अपने ब्रेड को फिल कर लिया है। मैंने 2 गार्लिक ब्रेड लिए हैं, 1 मैंने प्लेन ब्रेड फिल किया है, क्योंकि आप इस कोई भी ब्रेड में बना सकते हैं। मुझे स्पेशली गार्लिक ब्रेड में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है ग्रिल सैंडविच का, इसलिए मैंने इसमें गार्लिक ब्रेड लिया है और 1 मैंने प्लेन ब्रेड लिया है। अब हम इसमें बटर या घी कुछ भी ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि हमारे सैंडविच अच्छे से ग्रिल हो जाए। मैं इसमें घी अप्लाई करूंगी। घी अप्लाई करने के बाद अब हम इसको टोस्टर में ग्रिल करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा सैंडविच ग्रिल होके तैयार है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सैंडविच बना है जिसको मैंने टमाटो की चटनी के साथ सर्व किया है। और इसमें मैंने फ्रेंच फ्राइज ऐड किया है। डेकोरेशन के लिए मैंने इसमें नीचे थोड़ा सा पत्ता गोभी को काटा है। बहुत ही बढ़िया सैंडविच बन रहा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।